नमस्कार साथियों साथियों, आज मैं आपको आईएसओ 9008 और आईएसओ 9015 में कुछ की चेंजेस हैं उसके बारे में बात करूंगा, मेजर डिफरेंस बताऊंगा मैं। साथियों, ये 2 मिनट का वीडियो रहेगा, आप पूरा देखें तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो आइए साथियों, देखते हैं। साथियों, ये है पहले हमारे जो आईएसओ 2008 में 8 क्लोज थे और 2015 में जाके 10 क्लोज हुए हैं, और 2008 में जो प्रिंसिपल्स थे वो 8 थे और 2015 में 7 प्रिंसिपल्स हो गए। इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। और ये प्रिवेंटिव एक्शन की बात करता था, अब ये रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात करता है। ये बात करता है प्रॉब्लम हो ही ना, जो प्रॉब्लम होती है रिजेक्शन बनती है या जो हमारी समस्या आती है वो रिजेक्शन आए ही ना, जो प्रॉब्लम हो ना। जैसे हम बात करें किसी सीएनसी मशीन पे ओडी ओवरसाइज बार बार हो रही थी, तो हमने उसमें ऐसा ही पोका युका लगाया, एक सेंसर लगाया, जैसे ही ओडी ओवरसाइज होना चालू होगी तो या तो हमारी मशीन ट्रिप कर जाएगी या अलार्म दे देगी या कोई लाइट हॉर्न बज जाएगा, जैसा भी आपके पोका युका लगाओ। इस टाइप से हमने पोका युका लगा दिया, इस तरह की बात करता है जिससे कि प्रोडक्ट गलती से भी आगे ना बने, मशीन रुकी जाए। ठीक है, इसमें आगे बागे बात करता था एमआर की रिक्वायर्ड हुआ करती थी पहले, इसमें एमआर की कोई जरूरत नहीं होती है, एमआर नहीं है अब जो हमारे लीडरशिप हैं, जो हमारे वही वही काम करते हैं। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट बनते थे पहले, क्वालिटी मैनुअल और डॉक्यूमेंट प्रोसीडर्स रिकॉर्ड्स एंड वर्क इंस्ट्रक्शन। तो ये बात करता है, पहले इसकी बात करता था, अब ये बात करता है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशंस। आपकी ज़रूरत है तो बनाओ, आप कैसे प्रेजेंट करते हो वैसे प्रेजेंट कर सकते हो। ये फोकस नहीं करता है किसी चीज़ डॉक्यूमेंट बनाने की बात नहीं करता है, मगर आपको रिक्वायरमेंट है तो बना सकते हो। तो हम बात करें 2008 के डॉक्यूमेंट और 2015 के डॉक्यूमेंट, तो इसमें 8 क्लोजेस थे, तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट थे, और ये 2015 में एक डॉक्यूमेंट थे। तो ये डॉक्यूमेंट सेम है हमारे और ये ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, इनमें ऑडिट नहीं होती है। 2008 में और 2015 में डॉक्यूमेंट सेम थे। आगे देखते हैं हम, ये डॉक्यूमेंट हमारे ऑडिटेबल हैं और ये चेंजेस हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे ये 10 डॉक्यूमेंट अपना याद कर सकते हैं। आगे साथ ही आगे देखते हैं हम, ये 8 प्रिंसिपल थे इसमें और 2015 में 7 प्रिंसिपल्स हैं। ये देखिए, पहले आपको कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता था, अब कस्टमर फोकस की बात करता है। पहले लीडरशिप, और लीडरशिप सेम है, और ये बात करता था इन्वायरमेंट्स पीपल्स, अब इंगेजमेंट पीपल की बात करता है। इस प्रकार से ये 7 क्लोजेस हैं। अगर आप बात करते हैं और मेजर डिफरेंस देखते हैं, पहले बात करता था प्रोडक्ट की, अब ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करता है, जो स्टैंडर्ड अभी नया आया है, प्रोडक्ट एंड सर्विस की बात करता है। दूसरा, वर्क एनवायरनमेंट की बात करता था, अब ये वर्क एनवायरनमेंट्स ऑफ द अप्रोच ऑफ प्रोसेस की बात करता है। ठीक है, इस टाइप से ये है हमारे क्लोजेज। तो ये वीडियो कैसे लगी साथियों, कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।